उनको तुम्हारी लोकेशन पता नहीं थी भैया, जो रिवाइव दे रहा था उनको मार। खड़ो खड़ो मर गया मैं। Enemy down। इतना भी है? पहले मेरे पास है। भैया एक बंदा है। स्वागत है गाइस एक और निकमल की वीडियो में, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले सेंचुरिटी के बारे में। तो देखो सेंचुरिटी जनरली दो टाइप के होते हैं, जायरो प्लेयर एंड नॉन जायरो के लिए। तो उसके पहले बात करने से पहले देखो सेंचुरिटी में हमारे पास है बेसिक सेंचुरिटी। तो ये वाली सेंचुरिटी का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, डेडिकेटेड वीडियो। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना, मैंने वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है ये सेंचुरिटी कैसे काम करती है और क्या करती है। तो मैं उसका लिंक आई बटन पर दे दूँगा। तो चलो आगे बात करते हैं। देखो ग्राफिक, तो मैं कौन से ग्राफिक यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्राफिक में देखो मेनली ग्राफिक जो मेरा होता है वो बैलेंस प्लस एक्सट्रीम यूज़ करता हूँ, जिससे मतलब काफ़ी इजीली मैं गेम प्ले रिकॉर्ड करूँ और काफ़ी अच्छा उसको मेरे को रिजल्ट मिल पाए। तो मेनली वहाँ पर मैं वही यूज़ करता हूँ। तो आप चाहे तो बैलेंस प्लस एक्सट्रीम यूज़ कर सकते हो, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा स्मूथ प्लस एक्सट्रीम यूज़ करो। तो और अगर सेंसिटिविटी में मेनली तीन टाइप के होते हैं, लो मीडियम एंड हाई। तो ये मेनली तीन सेंसिटिविटी में आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट आपकी मीडियम रहती है और लो सेंसिटिविटी किन लोगों को यूज़ करनी चाहिए। तो लो सेंसिटिविटी उन लोगों को यूज़ करनी चाहिए जिसका मतलब बहुत ही ज़्यादा स्कोप हिलता है, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते, इतना इजीली कंट्रोल नहीं कर पाते, वो लोग लो सेंसिटिविटी यूज़ कर सकते हो। जो काफ़ी इजीली कंट्रोल कर पाते हैं वो हाई पे भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मीडियम जो रखना चाहते हैं वो मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सेंसिटिविटी कैसे डिसाइड करनी है, आपका बहुत अच्छा डिवाइस है तो आप हाई यूज़ करो, और मिड रेंज का डिवाइस है तो मीडियम यूज़ करो, और आप नहीं कंट्रोल बहुत कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप लो यूज़ करो। इस प्रकार से आप डिसाइड कर लेना है यहाँ पर। तो ये तो बात होगी मेनली देखो सेंसिटिविटी में, ऑल ओवर सेंसिटिविटी के बारे में। अब मेनली होती है कैमरा फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी, कैमरा सेंसिटिविटी, एडीएस सेंसिटिविटी एंड जायरो सेंसिटिविटी। तो देखो कैमरा फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी आप मैं यहाँ पर लिखा है 150 और सेंसिटिविटी बाकी 140, तो दोनों आप कर लेना है यहाँ पर। बाद में आती है कैमरा सेंसिटिविटी यहाँ पर। तो कैमरा नोस्कोप सेंसिटिविटी और एडीएस का नोस्कोप सेंसिटिविटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी है, आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी है दोनों। अगर आप इसको दोनों को सेम नहीं रखोगे यहाँ पर तो आपको हिप फायर में और क्लोजिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप जब मैं यहाँ पर 140 यूज़ कर रहा हूँ तो दोनों 140 यूज़ करो। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, देखो आपका बहुत ही लो एंड डिवाइस है तो आप इसको 100 यूज़ करो। अगर बहुत अच्छा डिवाइस है आपके पास जो काफ़ी इजीली मतलब बहुत बिना लेग के चल जाता है गेम, तो 145 यूज़ कर सकते हो। बाद में देखो यहाँ पर रहती है रेड डॉट की बात। तो रेड डॉट आप 40 से लेके 80 यूज़ करना है, 40 इन लोगों को यूज़ करना है जिसका डिवाइस बहुत लो है, और 80 इन लोगों को यूज़ करना है जिसका हाई है, और मिड रेंज वाला डिवाइस है वो 50 या 60 के बीच में जो भी आपको अच्छा लगे या यूज़ कर सकते हो, या 50 यूज़ करो या 60 यूज़ कर सकते हो। तो ये कर लेना। बाद में आती है 2x की कैमरा सेंसिटिविटी। तो 36 बाय डिफॉल्ट रखा है, इसको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी लोग 2x यूज़ करते ही नहीं है, तो इसको बाय डिफॉल्ट रख दो। 3x में 36 ही डिफॉल्ट है। तो ADS भी 36 है। बात करेंगे 3x की, तो 3x देखो आप
बहुत ही ज़्यादा आपका 3x बहुत इधर उधर नागिन की तरह हिलता है, तो आप इसको लो कर लो, 15 तक कर सकते हो, 15 से लेकर 18 तक कर लेना। और बाकी आप एकदम मास्टर हो और आपका स्कोप जितना हिलता आपको उतना इजीली आप कंट्रोल कर पाते हो, तो आप इसको 21 तक यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो इस प्रकार आप 18 से लेकर 21 तक यूज़ कर लेना, क्योंकि 3x ही मेन वो है सेंसिटिविटी, जो ही आपको मतलब मोस्ट ऑफ पीपल यूज़ करते हैं 3x, और जिससे रिकॉल कंट्रोल सारा करते हैं। तो एक बार जरूर से वाला ट्राई कर लेना यहाँ पर। और साथ ही देखो आप आते हैं 4x की बात, तो 4x में आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पर कितना रखा है, मैंने यहाँ पर 18 रखा है, तो आप इसको 18 भी यूज़ कर सकते हो। तो था 3x की देखो, मैंने यहाँ पर ADS sensitivity जो है वो मैं यहाँ पर 17 से लेके 25 के बीच में रिकमेंडेड करता हूँ आपको। अगर आपका बहुत अच्छा डिवाइस है तो आप इसको 25 के लिए यूज़ कर लो। अगर आप नॉन जायरो प्लेयर हो तो आप इसको करीबन 35 तक जा सकते हो, नॉन जायरो प्लेयर हो। तो जायरो प्लेयर है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लो रखें, इतना आपको ज़्यादा फ़ायदा है यहाँ पर। तो ये भी बात आपको याद रख लेनी है। साथ ही साथ मैं आपको जायरो प्लेयर है उसके लिए लास्ट में जायरो सेंसिटिविटी भी बता दूंगा। तो मैंने बताया इस प्रकार आपको इसको कर लेना है। अगर आपका बहुत लो एंड डिवाइस है तो मैं रिकमेंड करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 तक यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका इसको बहुत ज़्यादा ही हिलेगा अगर एक कर लेते हो तो। और अच्छा डिवाइस है तो 35 तक यूज़ कर लीजिए नॉन जायरो प्लेयर है तो। और आप जायरो प्लेयर है तो मैं रिकमेंड करूँगा 17, 18 या 20 तक जा सकते हो। तो इतना करीबन आप रख लेना। साथ ही साथ बात करेंगे 4x के बारे में, तो 4x हमारा यहाँ बाई डिफॉल्ट 17 है, तो इसको हम 18 यूज़ करेंगे और कैमरा सेंसिटिविटी भी इसको 17 ही रहने देंगे। तो इस प्रकार हमारा पूरा यहाँ पर 4x का सेंसिटिविटी सेट हो जाएगा। अगर आप नॉन जायरो प्लेयर हो तो आप इसको 20 से लेकर 25 तक बीच में कर लेना, अगर जायरो प्लेयर हो तो 14 रख लेना यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप कर लेना, 14 या 15 सेलेक्ट कर लेना जायरो प्लेयर हो तो। नॉन जायरो प्लेयर है तो आप इसको 20 तक जा सकते हो। अब 6x हम बाय डिफॉल्ट मतलब मोस्ट ऑफ पीपल जो होते हैं सारे लोग वो इसको एज अ स्नाइपर के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं 10 कर दो इसको, कुछ ज़्यादा शेयर करने के जरूरत कुछ नहीं है यहाँ पर। अब बात करेंगे जायरोस्कोप के बारे में, तो जायरोस्कोप यहाँ पर देखो नो स्कोप 200 कर लो, रेड डॉट भी 200 कर लो, 3x भी 200 कर लो, और 3x को 130 से लेकर 180 तक बीच में कर लेना है। अब जायरो प्लेयर के लिए 130 उन लोगों के लिए जो बिगिनर है उन लोगों के, और जो एकदम मास्टर कर चुके हैं उसके लिए 180 सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़िया है, 170 या 180 तक जा सकते हो। तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। अगर आप 4x को सिर्फ स्नाइपर के लिए यूज़ करते हो तो इसको 60 या 80 तक ले लेना। अगर आप इसको स्प्रे देने के लिए यूज़ कर रहे हो तो 115 तक कर लेना, जिससे आपका बढ़िया स्प्रे एकदम जाएगा। अगर आप 6x को फुल 6x को वैसे मतलब स्नाइपर के लिए यूज़ करते हैं लोग, तो इसको 50 रखो और 8x को 42 ही रखो। तो इस प्रकार आपका पूरा सेंसिटिविटी यहाँ पर एकदम से मतलब परफेक्ट भेज जाएगा। तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतने था, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।